मैं लाइफ में क्या करना चाहती थी बेटा, मेरे लाइफ में तो कुछ खुशियाँ ही नहीं मिला। जब से हमने जन्म लिया, पैरों पे खड़ा हुआ आज तक का, तो हमें खुशियाँ ही नहीं मिला। दुख के सिवा भगवान ने कुछ नहीं दिया मुझे। ऐसा दिल कर रहा कि रो दूंगी, नहीं तो घर से लेकर के बाहर तक हमें जीने देने की कोई आसरा नहीं है। महिला नहीं ऐसे जी सकती, नहीं जी सकती है कि उसके पीछे सपोर्ट नहीं है। सब गंदे लोगों को सपोर्ट है, क्योंकि महिलाएं ऐसी चीज है जो भगवान ने बनाई है। कहते हैं इनके बिना कहीं भी इंसान चल नहीं सकता। दिखाए तो करण दे, जो मैंने खुदा ही अपनी पूर्ति नहीं कर पा, हमें कहा दिए भी अपन ही खर्चा नहीं कर पा, हमें कहा सारा दिए। नहीं आसान तो नहीं है, लेकिन आसान को आसान बनाना पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। महिला दिवस पर देश और दुनिया में बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन आज भी कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला है। जी हां, उनके लिए सड़क किनारे रेडी लगाना, ठेला लगाना, पुलिस और नगर निगम की कमेटियों से बचना, साथ ही परिवार को पालने से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। जी हाँ, हम लोग कुछ ऐसी ही महिलाओं के बीच गए और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर महिला दिवस को लेकर क्या मायने हैं उनकी लाइफ में, महिला दिवस को लेकर वो क्या सोचती हैं कि एक महिला का जीवन कैसा हो। इन्हीं सब तमाम बातों पर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। दीदी, आपका नाम क्या है? चंदा। क्या करती हैं आप यहाँ पर? मेहंदी लगाती हूं। ये आपका बच्चा है? हाँ जी। और कौन कौन है अभी आपके साथ यहाँ पे? यहाँ पे हस्बैंड है मेरे, भाई है, सब मेहंदी लगाते हैं। तो आप खुद भी मेहंदी लगाती हैं? हाँ जी। दीदी, मुझे एक बात बताइए, आप वुमेन्स डे के बारे में जानती हैं क्या होता है? महिला दिवस? महिला दिवस इतना तो नहीं जानती, लेकिन थोड़ा बहुत है, बट मैं नहीं जानती। अच्छा, महिला दिवस के नाम से आप ये तो समझ ही गई होंगी कि है तो कुछ महिलाओं के बारे में ही। उन महिला दिवस महिलाओं के लिए मनाया जाता है। अब लड़कियां हो गई, औरतें हो गई, ये सब महिलाएं हैं यहाँ। मतलब काफी लोग महिलाओं को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, लेकिन उस चीज को टालना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं को उनकी, मतलब उन्हें इज्जत देना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए और उन्हें कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, कहीं उनकी इज्जत को उछालना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ऐसी चीज है जो भगवान ने बनाई है। कहते हैं इनके बिना कहीं भी इंसान चल नहीं सकता, क्योंकि महिला घर चलाती है, बच्चों को पालती है और काफी चीजें हैं जो करती है। आजकल महिलाएं कितनी आगे भी पहुंच गई हैं। कहते हैं पहले मर्द आदमी लोग आगे थे, अब औरतें आगे हैं, महिलाएं आगे हैं। अब इसी मामले में मैं कहूँगी कि उन लोगों को सलूट करना चाहिए जो हमारे देश को चलाते हैं। आप भावुक भी हो रही हैं? हाँ, क्योंकि हम भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, करना चाहिए। श्रेष्ठ भारत आपको भी सल्यूट करता है, क्योंकि आप यहाँ पर मेहंदी लगा रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं, वो भी इसकी राष्ट्रपति भी महिला है, वो पूरा देश चला रही है। मैं अकेली हूँ ये रेड़ी पटरी से, मैं बच्चों को, तीन लड़के हैं, एक लड़की है, दो बहू है, मैं इसी पटरी से पालन पोषण अपने बच्चों को करती हूँ। मेरा और कोई जड़िया नहीं है, कोई कमाने की जड़िया नहीं है। बच्चे भी हैं तो दो बच्चे आते हैं कमाने के लिए, इसी से मेरा घर चलता है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सहारा। जैसे कमेटी वाला आया
तो लेके सामान भागो, पुलिस वाला है तो भागो, सामने वाला अगर तुम्हारे पास दो ग्राहक आ गए सामने वाला लड़ाई करने लग जाएंगे, गालियां देने लगेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे भाई गाली क्यों दे रहे हो, तो फिर उल्टा सीधा बकते हैं, फिर हाथ छोड़ते हैं, फिर किसके बच्चा के सामने रहेगा तो कौन सोचेगा कि मैं अब मेरी अपनी माँ को पिटवाऊँ। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो बेरोजगार है उसको रोजी रोटी दिया जाए। औरत तो दे, औरत पांच है, औरत सब जैसा नहीं है, आदमी सब जैसा नहीं है, लड़के किसके पास रो के दिखाएगा? औरत तो रो लेगी, औरत एक जैसा थोड़ी ना, एक जैसा ममता थोड़ी ना, नहीं है ममता, एक जैसा नहीं है ममता, और ना आदमियों के अंदर है ये ममता। तो माथे पे लिख करके कोई मोहर मार के नहीं चलेगा कि मेरे साथ ही ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आंटी मुझे एक बात बताइए, वुमेन डे महिला दिवस के बारे में आप कुछ जानती हैं? सॉरी बेटा नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ मैं, आपको बताती हूँ। अच्छा आप इतना तो समझ ही गई होंगी कि महिला दिवस यानी महिलाओं का दिन है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि अगर महिलाओं को लेकर कुछ हो तो वो क्या हो, महिला क्या चाहती है, उनकी खुशी किस चीज में? उनमें खुशी ये है कि बेटा कि अपने पैरों पर खड़ा हो, हर अपने जैसा सबको समझे, ये मत समझो कि सामने वाला ऐसा तो हम दबाव उस पर डालें, नहीं, हम अपने जैसे बोलेंगे, ऐसा करें। आपकी खुशी किसमें? आप क्या करना चाहती थी लाइफ में? मैं लाइफ में क्या करना चाहती थी बेटा, मेरे लाइफ में तो कुछ खुशियाँ ही नहीं मिला, जब से हमने जन्म लिया पैरों पे खड़ा हुआ आज तक का, तो हमें खुशियाँ ही नहीं मिला, दुख के सिवा भगवान ने कुछ नहीं दिया मुझे, ऐसा दिल कर रहा कि रो दूंगी। नहीं लेकिन आंटी कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, भगवान है, वाकई में है भगवान, अगर भगवान ना हो ना तो आप इतने मजबूत भी नहीं होते जो यहाँ पे बता रहे हो। जी मैं इतनी मजबूत भी नहीं होती, भगवान सहारा है, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो समय से पहले नहीं करता है कुछ। मैं जो भी बैठी हूँ आज भगवान की कृपा से बैठी हूँ, नहीं तो घर से लेकर के बाहर तक हमें जीने देने के कोई आसरा नहीं है। महिला नहीं ऐसे जी सकती? नहीं जी सकती है कि उसके पीछे सपोर्ट नहीं है, सब गंदे लोगों को सपोर्ट है, अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं है, अच्छे लोगों को सपोर्ट कोई नहीं करता है। दुख पड़ा हुआ अगर जाओगे ना तो धुतकार के भगा देंगे, थाने पुलिस में जाओगे मदद मांगने वो धुतकार के भगा देंगे, कहेगा चलो चलो यहाँ से, तो जिसका कोई नहीं है उसके राम जी है, ये भगवान जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाले तू तेरे सहारे है, इसका इंसाफ तू करियो। श्रेष्ठ भारत आपको महिला दिवस पर सल्यूट करता है कि आप यहाँ पर गर्मी हो सर्दी हो यहाँ पे बैठी रहती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं, भले आपका कोई सहारा ना हो लेकिन भगवान आपका सहारा है। श्रेष्ठ भारत आपको हमारा भगवान सहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चों को भी भगवान सहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है बेटा। आप अपने बच्चों की ढाल है ना? लेकिन हाँ मैं ढाल हूँ, जिस दिन मेरे को कुछ हो गया मेरे बच्चे भी नहीं जी पाएंगे, कहते हैं कि मम्मी जब तक तुम हो तब तक हम हैं, जब आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे। असली बात है दुनिया मारेगी, एक बंदे को 10-10 जने मिल करके मारेगा पिटेगा तो वो बंदा थोड़ी ना रुकेगा, तो वो मेरे वजह से थोड़ा बच भी रहे, नहीं तो लोग भाग मार के फेंक देंगे, उसका कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। नाम है आंटिया? नाम अनीसा। घर में कौन कौन है? लड़का है बिटिया और नहीं कोई नहीं। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करती हैं? अभी जैसे कि देख सकते हैं कि चाय बना रही हैं आप, क्या और क्या काम करती हैं आप? कुछ नहीं। क्या काम है एक बार बता दीजिए? चाय नमकीन बिस्कुट बस। आंटी जैसे वुमेन डे महिला दिवस के बारे में कुछ जानती हैं आप? बिटिया का छू नहीं जानती। तो अच्छा महिला दिवस अभी मैंने कुछ बोला, महिला के बारे में, महिला तो जानती कि एक औरत, तो एक औरत क्या चाहती है? अब औरत तो जानत और मैं और हम नहीं जानत कछु। आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी किसमें? का बताए बिटिया,
बताइए। हाँ मैं नहीं पता कहा बताएं, सोचिए थोड़ा, सोचिए क्या करे लाइफ में, क्या एक औरत की जीवन में संघर्ष है या नहीं है, इस बारे में मुझे कोई संघर्ष है बिटिया? देख ठेला लगाए फिरा तो ठेली में कमेटी वाले आ जाए तो भाग जाऊंगा अबे सवेरे के भाग ही भाग लगे, क्या करे बताओ, जैसी जिंदगी बेकार है, सवेरे के रोड पे हुआ खड़े और भाग रहे चारों तरफ। ये ऐसी जिंदगी बेकार है या सिर्फ एक औरत की जिंदगी बेकार है? अब औरत की बिटिया जिंदगी बेकार है जब कोई नहीं कमाए हुए बालों नहीं हुए कोई, और जब ठेला लगा रहे ठेले नहीं लगा पाए रहे तो जिंदगी बेकार ही है। तो आप कितनी उम्र हो गई है, अब आप बेटा क्या करते हैं? बेटा कोई संग दीवे वालों हो तो जो कहे ठेला लगाओ पड़े, सब बेटा खूब है, बेटा है अपने अपने, बाकी कोई नहीं, जब कोई संग दीवे वालों नहीं तो कोई है ही नहीं, को है बेटा, जब कोई साथ नहीं दिए तो का को है, नहीं है कोई। एक महिला क्या कर सकती है, आप भी तो कर रही है यहाँ पे ठेली लगा रही है, गुजारा तो कर रही है, कहा करे गुजारा तो करे ही, जैसे कछु कर पाए भाई, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आपको, कोई सहारा नहीं देने वाला है? नहीं कोई सहारा नहीं, आप जो है बस खुद के लिए हैं, खुद करती हैं, खुद का कमाती हैं, ये सब आपका ही, आप ऐसे ही करो। दुख होता है कभी, सोचती हैं कि कोई नहीं आगे पीछे? खूब दुख होत बिटिया, रोए ले खूब दुख करके, का करें? पति कहां है, कहां है इस दुनिया में? नहीं वो कुछ करके गए आपके लिए, कुछ छोड़ के गए, जैसे आप उनकी वाइफ थी कुछ कछु बिटिया, बने सब जिंदगी में अपन लड़के बिटिया को शादी ब्याह कर पाए, कुछ नहीं कर पाओ, बेका जा जानते कि हम मर जाए, नहीं जानते। कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के। दो लड़के हैं, दोनों की शादी हो गई? नहीं एक, एक ही नहीं। तो बहू रहती है घर में? नहीं गांव में है बहू, गांव। बेटा कुछ पैसों से मदद करता है आपकी? नहीं कोई नहीं कर रहा कोई, उसको दिखता नहीं है कि आप इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, आप कैसे काम करेंगे, ठंड है गर्मी है? दिखाए तो करन दे, जो मैंने खुदा ही अपन ही पूर्ति नहीं कर पा, हमें कहा दिए भी अपन ही खर्चा नहीं कर पा, हमें कहा सारा दिए। तो एक महिला एक औरत की जिंदगी बड़ी कठिन है, बहुत ज्यादा बेटी है। आप जैसी औरतों को श्रेष्ठ भारत सलाम करता है। अपनी जैसे कछु तैसे काट रहे। कब तक करेंगी ये? जोड़ती हैं कुछ पैसे? हाथ पांच वालों चल रहा है बेटिया, तो वालों करा, जब नहीं चले तब फिर क्या करें? कोई ध्यान रखता है आपका घर में? बेटा, बट बेटा क्या काम करता है? एक जो बेटा जिसकी शादी कोई रिक्शा खरीद ले अपने आप से वही चला फिर, थोड़े बहुत भी पैसे देता है? नहीं आपसे पैसे लेता है वो? हमारी कोशिश सब करत के इन पे मिल जाए तो इन पे ले ले, अकेले अपन और दीबे को कोई राजी नहीं। कहाँ रहती हैं आप? इधर क्या बैठी हैं? किराए के घर पर खुद का? हाँ वही पे किराए पे। तो वो किराया पूरा आप देती हैं? किराया हम ही दे। कितने कितना किराया? 3,000। यहाँ पे क्या करती हैं? यही दुकान लगाते हैं। किस चीज की दुकान है? चाय नमकीन बिस्कुट। तो सुबह कितने बजे आती हैं? 7 बजे। आंटी मुझे ये बताइए, वुमेन डे महिला दिवस, इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं जानते। अच्छा जैसे अभी मैंने बोला कि वुमेन डे महिला दिवस, नहीं जानते ना? नहीं। तो लेकिन अभी जब मैंने महिला दिवस बोला आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ महिलाओं के बारे में, इतना तो लगेगा? हाँ इतना लगता है। तो क्या सोचती है महिलाओं के बारे में? क्या सोचे आप लोग बताइए भाई, हमको तो कुछ बोल जानते ही नहीं है तो क्या बताए, यानी कि महिला के विषय में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, यही सुनिए ना। क्या मतलब एक महिला होते हुए आप एक महिला को क्या मैसेज देंगे, कैसी लाइफ होती है एक महिला की? महिला के बहुत लाइफ होते हैं, अब जिसको नहीं है कोई लाइफ में तो हम लोग को तो भैया कोई लाइफ नहीं है, लड़की है ही नहीं जो लाइफ आगे बढ़ेगी, हम लोग के जैसे ये इसमें दिन कट रहा है, चाय बेचने में कट रहा है। कितने बच्चे हैं आप? लड़के 4 हैं। 4 लड़के हैं, क्या करते हैं? चारों में भी तो सब ऐसे बैठे हैं,
जॉब कर रहे हैं, कोई कपड़े दुकान में, कोई इधर कोई उधर, तो एक तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके सर पर है? हाँ, मेरे सर पर है, मेरे अंकल के तो सर पर है, आप दोनों के सर पर। तो एक महिला क्या कर सकती है फिर? घर संभाल सकती है? हाँ, घर तो संभाल सकती है। देखो, महिला बहुत कुछ कर सकती है, और नहीं तो घर तो रोटी पानी बनाना ही बनाना है। महिला तो आगे भी बढ़ सकती है, जो पढ़ी लिखी है आगे भी जॉब खोजेगी, ये करेगी वो करेगी। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या एक महिला का जीवन आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन आसान को आसान बनाना पड़ता है। अनुभव क्या कहेंगे, महिला के जीवन भी भैया आगे वे बढ़ना चाहिए, आगे अपना बाल बच्चे को भविष्य बनाना चाहिए। अभी एक इससे क्या करेंगे, मेरा पूरा जिम्मेदारी झेलना पड़ता है। अभी बच्चे सब कोई सक्सेस हुआ ही नहीं है, तो यही बात है, अब क्या करें। एक संघर्ष है मतलब महिला के जीवन में, तकलीफें हैं बहुत सारी। बहुत सारी तकलीफें हैं। आपको क्या क्या समस्याएं हुई हैं अभी तक, क्या क्या संघर्ष आपने किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी क्या बताएं, अभी तो जब तक चल रहे संघर्ष क्या बता सकते हैं। ससुराल में अपना टाइम पास करे, मायके में भी टाइम पास करे, फिर अपना पर जीवन में जो भी झेल ही रहे हैं, हर जगह तो परेशानी झेलना पड़ता है। क्या नाम है दीदी आप? ज्योति देवी। क्या करती हैं आप? मेहंदी लगाती हूँ। तो आपके साथ यहाँ पर और कोई भी है या अकेले मेहंदी लगाती? नहीं, मैं अकेले मेहंदी लगाती हूँ, खाने पीने की दुकान लगाती हूँ। अच्छा, मैगी की? मैगी लगाती हैं आप। आप वुमेन्स डे महिला दिवस के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं सर, हमें टाइम ही नहीं मिलता दीदी, घर से यहाँ, यहाँ से घर, क्या करें। घर में कौन कौन? दो बेटी एक बेटा। अच्छा, वैसे वुमेन डे महिला दिवस के नाम से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये महिलाओं के बारे में कुछ दिन है। जो महिला अच्छा काम कर रही है, अपना जॉब कर रही है, घर का काम भी करती है, बाहर का भी करती है, अभी दो पैसा कमाना होता है, हस्बैंड भी करते हैं, तो मिल बांट के करने चाहिए ना दोनों को। दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से तो बजेगी नहीं। अब आदमी करेगा और घर का सारा चलाएगा, तो औरत है घर में ही बैठी रहती है खाली, बाहर का भी करे तो अच्छा रहेगा, दो पैसा जुड़ेगा भी, काम भी आएगा, और आजकल की महंगाई भी तो इतनी हो रही है। क्या महिलाओं को आज की डेट में उस तरीके से सम्मान मिलता है जिस तरीके से मिलना चाहिए? अब जैसे मिलता है वैसा मिलने चाहिए, पैसे तो है ही नहीं, पहले मिलता था, अब कहाँ मिलता है। तो आज की डेट में उस तरीके से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है? नहीं। क्या चाहती हैं, कैसे सम्मान मिले? एक सरकार, हम तो चाहते हैं कि सरकार भगाए ना, जहाँ बैठा उसे वहीं बिठा के रखे, दुकान दे हमें कोई छोटी जगह पे, ऐसी जगह बिठाए जो हमें भगना ना पड़े। कमेटी आती है तो भग जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो कहते हैं भगाओ, कोई आ रहा है हटाओ, तो भगेंगे तो कहाँ से कमाएंगे, ये चक्कर है। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होने चाहिए, लेडीज के साथ तो होने ही नहीं चाहिए वैसे, सारे तो जेंट्स तो भगते ही है, लेके लेडीज भी भगती है, चार आदमी देखता है तो वो भी क्या सोचता है, लेडीज भग रही है सामान लेके, तो ये नहीं होने चाहिए ना, बेइज्जती होती है फिर, ये होता है। हम तो चाहते हैं कि सरकार अच्छी जगह बिठाए, जो लेडीज इधर से उधर ना भागे और मेहनत से कमाए बस। महिला दिवस पर आपने इन महिलाओं की संघर्ष भरी कहानी सुनी उन्हीं की जुबानी। जी हाँ, वैसे इन दिनों एक शादी जो है वो हिंदुस्तान में काफी चर्चाओं में है, जिसमें एक महिला ने 90 करोड़ का लहंगा पहना है। हिंदुस्तान में ही महिला दिवस पर ये जिंदगी के दो छोर हैं। आप इंटरव्यू में देख सकते हैं इन महिलाओं को। काश इन महिलाओं का भी महिला दिवस एक दिन ऐसा जरूर मने, वो भी अपनी जिंदगी को कुछ इस तरीके से जी सके। फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही, तब तक लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।